इसकी शुरुआत सर कहाँ से? पिता को देखा जो अपने बेटे की लाश को लेके शमशान घाट में बैठा है और दाह संस्कार के पैसे नहीं है। लोगों की जली हुई लकड़ी के टुकड़े उठा के वो संस्कार करना चाह रहा था। आप अपने ही लोगों से एक ही घर में कमरे में दूर दूर होकर दूरियां बनाकर, आपको डर नहीं लगा कभी? सामने वाले दुश्मन ने हमारी फौज पे वार कर दिया और एक जवान शहीद हो गया, तो हमको पीछे भागना है या आगे बढ़ के मारना है? सर इस कोविड काल की अगर हम बात करें, जिस तरह से निस्वार्थ होकर आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से काम किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आपकी तारीफ। 20 अप्रैल का दिन नहीं भूलता हूँ, रात के 2:30 बजे मुझे एक फोन आता है कि शंटी जी आपको हम टीवी पे लाइव देख रहे हैं, आप इसी तरीके से सेवा करते रहिए, सारा देश आपके साथ है, जय हिंद। और वो फोन था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। सर वो वक्त ऐसा जब कोई अपना भी अपने रिश्तेदार के लिए रात भी नहीं निकलता, उस वक्त आप लोगों के साथ खड़े। कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ परमात्मा ने जज्बा दे दिया, कुछ मेरी टीम ने बहुत काम किया। कई वक्त ऐसे भी आया क्या जब आपको लगा कि बस बहुत हो चुका? मैं बिल्कुल नहीं टूटा, लेकिन लोग बहुत टूटे। बोलते होंगे कि अपनों का तो साथ हमें मिला नहीं, लेकिन जो शायद हमारा अपना नहीं था वो हमारे साथ उस वक्त खड़ा हुआ। मैं जिंदगी में मुझे सेवा ही करनी है, मेरा जो जीवन रह गया मैं सेवा में लगाऊंगा देश की बस। मेरा आसमान में खास मुलाकात समाज सेवी जितेंद्र सिंह शंटी के साथ रविवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर।